इलेवेंथ साइड बाय साइड कैसे करें, जब टाइम बचे तो इलेवेंथ करें। अगर आप इलेवेंथ रिवाइज करने के चक्कर में अपनी ट्वेल्थ डुबा रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, मैं सच में बता रहा हूं। अगर आपने जीवन में भी ये गलती कर दी तो आप दोबारा ट्रैक पे आ जाना। मैं आज ही आपको एक बात कह रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये बात ध्यान रहे और हमेशा याद रहे। अगर आप ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ कर रहे हो, टाइम निकाल के सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा टाइम देके बिना बैकलॉग क्रिएट किए, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ को साइड में रख के इलेवेंथ रिवाइज कर रहे हो, ये सोच के कि आपको ट्वेल्थ बाद में हेल्प कर रही होगी, इलेवेंथ बाद में हेल्प कर रही होगी, आप बाद में कवर अप कर लोगे, यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग मेस। आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे मेरे भाई, तो इस चक्कर में मत पड़ना। जुबिया साथ साथ कर सकते हैं टाइम बचा के, जितना टाइम अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड सिलेबस नहीं चला है, पांच ही दिन क्लासेस हो रही हैं। सैटरडे संडे अगर एक्स्ट्रा मिलता है, कोई त्यौहार की छुट्टी मिलती है, कोई समर वैकेशन मिलती है, झटपट इलेवन साथ साथ स्टार्ट कर दो। अर्जुना का क्योंकि है हमारे पास एक्सेस, तो आप साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन गलती से भी ट्वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करना, वहां फंस जाओगे, ना इलेवेंथ हो पाएगी ना ट्वेल्थ। बाकी बचा हुआ यूट्यूब से पढ़ लेंगे, वरुण भाई जैसी आपकी इच्छा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लड़ झगड़ के कुछ क्लास दिया ही जाए। सर रिकॉर्डेड लेक्चर प्लीज बिल्कुल कर लेंगे यार। विपु सर ओपी, थैंक यू दोस्त।